अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आम ब्यूरोक्रेसी में आम पदों पे न्यूनतम 2 वर्ष के लगभग जिसको आप कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं वो होता है। क्यों होता है, उसका औचित्य क्या है, उसका अभिप्राय उद्देश्य क्या है। ये मानते हैं कि जो आपका एक संबंध लिंक नेक्सस हो सकता है वो 2 वर्ष में टूट जाएगा। मैंने आपको उदाहरण दिए 9, 6 और 6 वर्षों के। इस उदाहरण में जो आज हुआ है कल हुआ है इसमें कितना अवकाश है, 4 महीने। एक राज्यपाल की नियुक्ति की थी आप ही ने कुछ वर्ष पहले, और ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आपने एक मूल ढांचे की तरफ, न्यायपालिका के स्वतंत्रता की तरफ एक बहुत बड़ा आघात किया है। मैं अपनी बात को अंत करना चाहूँगा ये कह के कि कम से कम हमारी नहीं सुनते हैं तो अपनों की तो सुन लीजिए, जिनको आप तथाकथित अपना मानते थे। मैं श्री जेटली को कोट करना चाहता हूँ, कोट अनकोट, प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिज़ायर फॉर अ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब अनकोट। ज़्यादा व्यापक रूप से उन्होंने ही कहा था, फॉर 2 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट देयर, कोट अनकोट है, मेरे शब्द नहीं है, फॉर 2 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट देयर शुड बी अ गैप बिफोर अपॉइंटमेंट बिकॉज अदरवाइज द गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द कोर्ट्स एंड द ड्रीम टू हैव एन इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल एंड फेयर जुडिशरी इन द कंट्री वुड नेवर एक्चुअलाइज अनकोट। अब ये वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री के सुनने के लिए हैं, काम करने के लिए नहीं। ये वक्तव्य विपक्ष में होने तक सही हैं और सत्तारूढ़ बनने के बाद सही नहीं रहते, ये कौन सा रीति रिवाज है मैं नहीं जानता। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आपने अपने खुद के लोगों की बात नहीं मानी, भारत की विरासत और लेगेसी को इग्नोर किया, 70 साल का एक जो नियम है उसका बड़े बेशर्मी से उल्लंघन किया। और मैंने खुद ने अभी कुछ समय आर्टिकल में लिखा था कि देयर हैज़ बीन इन कोर्ट्स अ टेंडेंसी टू अवॉइड मैटर्स और एडजर्न देम व्हेन इट ट्रूली मैटर्स। My fear is that the judiciary has lost some of its independence and the fearlessness that it needs to check the legislature and the executive. आपने क्या इस दिशा में एक और बड़ा प्रहार नहीं किया है दुष्प्रभाव वाला, ये प्रश्न कांग्रेस पूछ रही है, देश पूछ रहा है।